त्रेया का चरित्र और पुरुष का भाग्य देव यानी भगवान भी नहीं जान पाए। पर जो कहानी आज आपके सामने रखने जा रहे हैं उसमें पत्नी ने जो एक साजिश रची और जिस तरह से उसने अपने ही परिवार को बर्बाद करने की पूरा एक गेम प्लान किया, उससे उसकी ही सच्चाई सामने आ गई। दरअसल कटिहार की एक महिला ने अपने विवाह के बाद के संबंध को छुपाने के लिए जिस तरह से अपने बेटियों को और पति को बदनाम किया और फिर जब उसको लगा कि उसकी पोल पट्टी अब खुल गई है और वह अपने प्रेमी के कारण समाज में बदनाम हो जाएगी, तो उसने एक हाई वोल्टेज ड्रामा को अंजाम दिया और अपने देवर पर जमीन हथियाने का आरोप लगाकर मारपीट करने का मामला दर्ज करा दिया। पर जब महिला की बेटियां और पति सामने आ गए तो आखिरकार पुलिस को मामले की जांच करने का फैसला लेना पड़ा। इस हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही महिला को देखिए, यह महिला है सोनी देवी। यह अपने बसे बसाई गृहस्थी को उजाड़ कर सड़क पर उतर गई, यह कहते हुए कि यह अपने पिता के पास जा रही है क्योंकि इसके साथ ना तो इसका पति है और ना ही इसकी बेटियां। सड़क पर एक ऑटो पर बैठकर इसने खुलकर अपने ससुराल के लोगों पर मारपीट के आरोप लगाए और कहा कि उसकी इज्जत को उसके परिवार वाले तार तार कर रहे हैं। पर जरा इस महिला के इस पूरे बयान को सुनिए और फिर आपको बताएंगे हम कहानी का वो पक्ष जिसको छुपाने के लिए इसने यह साजिश रच ली थी और उसको अंजाम देने सड़क पर उतर गई। क्या हुआ है बताइए तो? अभी मैं अपने भाई के साथ मायके जाने के लिए निकल रही थी क्योंकि सारे परिवार मेरे अगेंस्ट में थे। मेरे पापा ने बोला तुम चली आओ यहाँ से, हम लोग बात करेंगे। जब जाने लगे तो मेरा देवर जो है हमको रोकने का कोशिश किया। हम बोले कि नहीं, हमको मेरे मम्मी पापा के पास जाना, जाने दीजिए। तो वो मेरे साथ मारपीट शुरू करने लगा, मेरा गला पकड़ के दाब दिया, मेरा उंगली भी तोड़ दिया पैर का। और उस कैरेक्टर का इतना खराब आदमी है, आए दिन उसका नजर मेरे प्रति बुरा रहा है, आए दिन वो मेरे साथ किया है मारपीट काली बारी में। और आज कोई मेरे साथ नहीं है। बबलू राय, बबलू राय उस देवर का नाम है। वो आए दिन मेरे साथ बदतमीजी करता है। आज से कुछ दिन पहले भी धमकी दिया इस चीज का कि तुमको काली बारी में जान से मार देंगे और रफ शब्द का यूज किया। पति इसमें क्या कर रहा है? मेरे पति को भी पता नहीं, इतने दिन तक ठीक थे भैया, आप जानते हैं ना सब कुछ मेरे परिवार को। मेरे पति को भी क्या कर दिया, मेरे पति भी मेरे खिलाफ है। ये लोग मेरे कैरेक्टर पर लांछन लगाता है, जो चीज नहीं हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, कितना बर्दाश्त करेंगे। और ये धर्म परिवर्तन की बात बता रहे हैं। धर्म परिवर्तन में मेरे सबसे बड़े वाले जेठ जो है वो ब्राह्मण से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने मेरी ननद लोगों को जो यहाँ के लाल उन लोगों को परिवर्तन कराया। 23 तारीख को मेरी बेटी जब शादी में गई हुई थी एक चाचे, वहाँ से आने के बाद इन लोगों ने इसके साथ क्या किया, ये लोग भी जो है धर्म परिवर्तन कर ली। उसके बाद जब हम लोग वो 1 तारीख को मेरे पास आई तो मैंने जैसे घर में घुसी भगवान का मूर्ति वगैरह फेंकने लगी तो मैंने उस पे जो है उसको रोका और उस पे हम और मेरे हस्बैंड ने उसको मारा भी, बोला घर से तुम निकल जा, कोई भी अपने बच्चे को बोलेगा। बस उसके बाद मेरे जो सास है, मेरे जेठ सब उसको लेकर के चले गए वहाँ। और उसके बाद जो है उन लोगों ने DM के यहाँ और उसके यहाँ मेरे बच्ची से आवेदन दिलवाया। बच्ची क्या नाम है? नीलाक्षी राय, साक्षी राय, दोनों को करवा दिया गया। हाँ, दोनों अभी तो वो लोग को बड़ी मामला को सुलझा के बड़ी बुआ के यहाँ भेजा गया है। लेकिन ये बबलू राय वो हमको बहुत तबाह कर दिया है, बहुत कर दिया भैया, मेरे इज्जत का तार तार कर दिया है ये लोग, बहुत कर दिया। बबलू राय काली बारी के जमीन के लिए वो लोग एक तरफ मेरे बच्ची से आवेदन दिलवाया, दूसरी तरफ काली बारी का दुकान घेर रहा है। इस हद तक लोग गिर जाता है क्या? बबलू राय, रानी राय, शंकर राय, शंकर राय सब इसमें इन्वॉल्व है। महिला थाने जा रहे हैं आप? हाँ, सब सब है इसमें इन्वॉल्व, महिला थाना, हमको न्याय चाहिए। स्क्रीन पर चल रहे इस व्यक्ति की तस्वीर को देखिए, इसी के साथ महिला का अवैध प्रेम संबंध बन गया जिसको लेकर के बेटियों ने सवाल उठाया। अब आपको सोनी देवी की दो दो बेटियों को सुनवाते हैं जिससे महिला के हाई वोल्टेज ड्रामा का
खुलासा हो जाएगा। यह महिला की बेटी है और सुनिए कि बेटी अपने माँ के बारे में क्या कह रही है। इसी बेहूदे के कारण मेरी माँ मुझे छोड़ के ही नहीं गई, बल्कि हमारे और हमारे परिवार के ऊपर धर्म परिवर्तन का इल्जाम भी लगा के गई है। और यही वो शख्स है जो मम्मी का फेसबुक फ्रेंड था, जो मेरे पापा को पीठ पीछे चीट किया, और आज इसी के विरुद्ध मैंने कंप्लेंट भी किया। मेरे घर को बताऊंगी कि इस शख्स के साथ थोड़ा खेल हुआ है, और हम दोनों बहनों से जो नाबालिग है हम लोग से पूछा तक नहीं किया कि क्या बात था। और इसी शख्स के कारण आज मेरा पूरा परिवार टूट गया है। मेरे परिवार वालों को आज घर से बाहर निकाल दिया है। जो बाहरी आदमी है वो अंदर आता है। और इस शख्स का नाम कन्हैया कुमार चौहान है और ये मिलिट्री में है। और ये इसी इंसान के कारण आज मेरा परिवार टूट के बिखर गया। ये वही इंसान है जिसकी वजह से आज हमारी माँ ने हमारे ऊपर गलत एलिगेशन लगाया है। आज ये वही शख्स है जिसकी वजह से माँ हम लोग को छोड़ के चली गई। मेरे पापा के विरुद्ध गलत न्यूज फैलाया गया। ये इसने धमकी दिया है, इस इंसान ने धमकी दिया है कि मेरे घर पे घुस के मेरे बाप को गोली मारेगा और मेरे ऊपर चार्जेस लगाएगा कि मैंने गलत एलिगेशन लगाया है। इस लड़के ने मुझसे कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं आर्मी में हूँ, मैं यूनिट कैसे बता पाओगी तुम लोग। मेरे फैमिली वाले तुम जितना भी तुम कोशिश कर लोगे कि मेरे फैमिली वाले तुम मेरा कुछ पता लगा पाओ, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगी। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पापा को नाम लेकर के, मेरे पापा को गाली गलौज करके मेरे घर पे सबको गाली दिया और लास्ट में मेरी माँ को ये भगा ले गया और मेरे पापा को धमकी दिया कि मैं तुम्हें मार दूंगा। दरअसल सोनी देवी ने पहले लव मैरिज को अरेंज करके ही शादी की थी। शादी के बाद अपने ससुराल में रह रही महिला को फेसबुकिया प्रेम भी हुआ और इसी बीच परिवार के ही एक व्यक्ति के प्रेम जाल में भी वो उलझ गई। यानी शादीशुदा जीवन के बाद भी इसने दो दो प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ाने शुरू किए। यह आरोप हम नहीं बल्कि महिला के पति और बेटियों के हैं। इस महिला को जब बेटियों ने एक पराये पुरुष के साथ गलत संबंध को देख लिया और इस संबंध को लेकर बेटियों ने पिता को जानकारी दी तो महिला के होश उड़ गए और महिला ने वहीं से अपने बेटियों और पति के खिलाफ साजिश का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया और इससे अपने पति और बेटियों पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया और इसके लिए मीडिया का सहारा ले लिया। नाबालिग बेटियों को जब मामले की जानकारी मिली, बच्चों ने इसकी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए कटिहार के डीएम को दी और कहा कि समाज में हम दोनों नाबालिग बहनों का जीना मुश्किल हो गया है। नाबालिग दोनों लड़कियां कक्षा 7 और कक्षा 10 में पढ़ती हैं। सर, मेरी माँ का कुछ गलती पकड़ाया है सर, और इस चीज़ को वो फॉल्स करने के लिए हम लोग को सर आगे बढ़ा रही हैं, हम लोग के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा रही है ताकि सर हम लोग उनको उनका सच सामने ना ला पाए। सर, हमारे घर पे एक लड़का आता है, वो मम्मी का कहना है कि वो उनका फ्रेंड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी दोस्ती फेसबुक के ज़रिए हुई थी और उसका नाम कन्हैया कुमार चौहान है, जो आर्मी में है। सर, वो जब भी आता था सर, मैंने कुछ गलत देख लिया तो मैंने मम्मी को बोला कि ये यहाँ क्यों आता है, तो मेरी माँ उसके बाद से मुझसे नफरत करने लगी। और ये घटना करीब 7 साल से चल रही है। मैंने 7 साल में बहुत बार विरोध किया लेकिन मेरी माँ ने मुझे मम्मी से निकाल दिया। मेरी मम्मी ने फॉल्स एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया है सर। इससे पहले भी मैंने कन्हैया कुमार चौहान के बारे में दे दिया है कि सर वो लड़का मेरे घर पे आके मेरे परिवार बर्बाद कर चुका है। आज हमारी पत्नी सोनी कुमारी ने जो आरोप अपने पति पर लगाया है कि मेरा पति दोनों बच्चे के साथ धर्म परिवर्तन किया है या धर्म परिवर्तन करवाया है, ये सब सरासर झूठ और बेबुनियाद बातें हैं। ये आप हमें भी देख रहे हैं, मैं यदि धर्म परिवर्तन करता तो क्या मेरे हाथ में ये रहता, क्या मेरे घर में पूजा होती? ये सभी जानते हैं कि मैं क्या हूँ। आज मेरी पत्नी का सच मेरे बच्चों के बीच आ गया, जो आज उसका पापा ने आँख खोला है। सच ये है कि हमारी पत्नी का कन्हैया कुमार चौहान से फेसबुक पर दोस्ती हुई। फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद हमारी वाइफ सोनी कुमारी ने हमसे कहा कि ये हमारे क्लास का फ्रेंड है। मैं फॉरबिसगंज कॉलेज में दोनों साथ पढ़ते थे, तो हमें जितना भरोसा अपने आप पर नहीं था, मैं उतना भरोसा उस पर करता था। लेकिन हमें नहीं पता था कि जिस लड़की को मैं प्यार करके शादी किया, मेरा लव से अरेंज मैरिज है। आप सोच सकते हैं कि जिस लड़की को हमने प्यार करके शादी किया, आज वो लड़की
अपनी पति के खिलाफ, अपने बच्चों के खिलाफ जो आरोप लगाया है वो आरोप झूठा है, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई, उसकी चोरी पकड़ी गई और वो जब घर से यहाँ से भागी है वो लैपटॉप लेके गई है, क्योंकि लैपटॉप में ही पूरा सबूत है उसके पास। वो सोची कि मैं लैपटॉप लेके निकल जाऊँगी और हमें पता नहीं चलेगा। मैं दोनों बेटी को लाने के लिए भागलपुर गया था। कल 3 बजे तक पत्नी मेरे फेवर में थी, आखिर 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो मेरे फेवर में नहीं थी? कभी अभी सोचे नहीं थे कि मेरे घर वैसी बहू आएगी। अब मेरा घर का तेरी जवान जवान बेटी को हम सिखा गए, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है उसको सिखा कर कब्जा करेंगे, हम माँ बाप के खिलाफ करेंगे, जबकि हम यहाँ नहीं आते थे कभी। पूछिए बच्चे सबसे, जब भी आते थे तो इसकी माँ इशारा करता था कि इसको जाने दो, मत रोको मत रोको। पति और बेटियों के मुताबिक महिला की दोस्ती फेसबुक के जरिए आर्मी में कार्यरत कन्हैया कुमार चौहान से हुई और वह आर्मी जवान महिला के कटिहार के कालीवारी घर आने जाने लगा। इसी दौरान बेटियों ने अपनी मां की हरकत पकड़ ली। अब महिला ने अपने बचाव में अपनी गृहस्थी ही उजाड़ ली। मामले में कटिहार के जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने कहा कि जो भी हुआ और हो रहा है उनके संज्ञान में है। उन्होंने इसके जांच के लिए कटिहार के एसपी और एसडीपीओ को निर्देशित किया है और जो भी दोषी होंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में जो वीडियो आ रहा है और कुछ चैनलों ने भी चलाया है, मेरे संज्ञान में भी है, मैंने भी देखा है, जिसमें किसी महिला ने यह आरोप लगाया है कि ज़बरदस्ती उनके नाबालिग बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसकी जांच के लिए मैंने एसपी साहब को बोला है, डीएसपी साहब इसकी जांच कर रहे हैं और जो भी सच्चाई सामने आएगी, जो भी दोषी होंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वैसे कटिहार में ऐसा मामला हम लोगों ने नहीं देखा है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा हो या किसी भी समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय में परिवर्तन करने के लिए फोर्स किया जा रहा हो। तो जो भी है इसके तह तक हम लोग पहुँचेंगे और जो भी दोषी होंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मामले के जांचकर्ता एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया कि नगर थाना अंतर्गत कालीबारी के समीप रहने वाली सोनी देवी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके भैंसुर और देवर द्वारा बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, साथ ही मारपीट भी की गई है, जिसको लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है और उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। मामले की जाँच की जा रही नगर थाना अंतर्गत कालीबाड़ी से सुनी देवी पति राजेश कुमार राय, उनके द्वारा कल आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनके 2 भैंसुर और 1 देवर तीनों मिलकर उनके पति को, उनके बच्चे को धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहा है, धर्म परिवर्तन करा दिया है और नहीं करने पर मारपीट किया गया। इस संबंध में हमारे थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें यदि जैसे ही हम लोग पाएंगे जी नहीं इनकी बात सही है तो हम लोग गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेजेंगे। बहरहाल इस मामले ने कटिहार के लोगों को सदमे में डाल दिया है कि कोई महिला अपने आशिकी छुपाने के लिए इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकती है, और इस अपराध को लेकर के लोग चिंतातुर हैं कि आखिर इन 2 नाबालिग बेटियों का क्या कसूर है। खुलासा के लिए कटिहार से रविराज की ये खास रिपोर्ट।